हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और फैशन में चलने वाला ट्रेंडी ब्लाउज की डिज़ाइन, जो कि गोटा पट्टी से मैंने तैयार किया है। इसे आप सूट और ब्लाउज कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, जैसे हम ब्लाउज की बैक साइड की कटिंग करते हैं, मैंने सेम उसी तरीके से कट कर लिया नॉर्मल। और मैं यहाँ पर स्केल की मदद से 2-2 इंच के गैप में, जैसे चेस्ट का डिज़ाइन बनता है, सेम उसी तरीके से मैंने बना लिया। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, दोनों में इस तरीके से मैंने 2-2 इंच की गैप दिया हुआ है। इस तरीके से मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो बिना ड्रॉ किए भी बना सकते हैं, बट उसमें क्या होती है कि हमारे लाइनिंग में डिफरेंस आ जाती है डिस्टेंस की, तो इसलिए बेटर होगा आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें, उसके बाद डिज़ाइन ड्रॉ उसके बाद लैस की डिज़ाइनिंग करें। तो मैंने देखिए इस तरीके से बायस पे जिस तरीके से चेस बनता है, सेम उसी तरीके से पैटर्न तैयार कर लिया है। इस गोटा पट्टी की मदद से हम इसको तैयार करेंगे और साथ ही मैं इसमें गला भी बताऊंगी कैसे पल्टी मैंने किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें। आप मुझसे कमेंट करके भी अपनी सलाह दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट कर भी रिप्लाई दूंगी। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने सारे पर्सनल अपडेट देती हूँ, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी डिज़ाइन का रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके लिए भी पर्सनली आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो देखिए, इस प्रकार जिस तरह मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, उसी तरह हमें गोटा को अपने रख के सिलाई करनी है। और सिलाई करते समय हमें ये बात ध्यान देना है, जब भी हम गोटा का कुछ भी बना, लाइक नेक कोई भी डिज़ाइन अगर हम गोटा से रिलेटेड बना रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि हमें गोटे के बीच से सिलाई चलानी होती है, और 5 नंबर या फिर जो बड़े लटाके होते हैं हमें वो चलाना होता है। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा गोटा कभी नहीं सीक्वेंस आएगा और हमेशा एकदम परफेक्ट आएगा। ये थोड़ा कपड़ा मेरा सिल्क टाइप में है, इस वजह से थोड़ा चर्ड है। हम इसको प्रेस कर देंगे तो परफेक्ट एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। और देखिए, इस तरीके से मैंने एक साइड में लगा लिया है अपना सारा गोटा। मैं इसे पास से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा गोटा लग चुका है एक साइड में। अब हम दूसरे साइड लगाएंगे। तो दूसरे साइड देखिए, हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जस्ट उसके दूसरे साइड से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे गोटा। तो इस तरीके से हम इसको भी सेट करेंगे, लाइक जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसी तरीके से अब हम इसे सेट करके और इसमें भी इस तरीके से लाइन लाइन पे हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं पूरे लाइनिंग में जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है, हम उसी तरीके से पूरे लाइनिंग में इसको लगाते हुए चलेंगे। और देखिए, मैंने मार्किंग यहाँ पर 2 इंच की रखी है दोनों की डिस्टेंस। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना चाहिए 2 या 3 जिस हिसाब से, लेकिन 2 इंच का इनफ है, बहुत ज़्यादा है। वैसे भी इस तरीके से अगर 2 इंच का बॉक्स बनाएंगे तो देखने में ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का ही बॉक्स बनाया है। तो उसके बाद हम इस तरीके से सारे में भर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बीच बीच में आप सीक्वेंस वाले जो मोती आते हैं वो भी टक कर सकते हैं, जिससे हैवी लुक देगा वो हमारी ब्लाउज़। तो मैंने यहाँ पर कोई टक नहीं किया वैसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था। और ये डिज़ाइन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आप इसे दिवाली में, छठ में, किसी फेस्टिवल सीजन में बना के आप इसे पहने, बहुत ही ज़्यादा लुक अच्छा देगा। एक सिंपल सी साड़ी के साथ इसको इस तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज़ को कैरी करना इसमें बहुत ज़्यादा ही फैशन में है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने ट्राई किया। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइनली लास्ट वाला जो सीधा है, मैं उससे भी अब अटैच कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे बनने के बाद क्या तैयार हुआ है। सो ये देखिए, हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया इस तरीके से कुछ है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कैमरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट ये रियल में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर नेक पल्टी करेंगे।
तो जैसे बेसिकली नेक मैंने पल्टी करना बताया, नेक की कटिंग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी किस तरीके से नेक कट करते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप में नेक को कट कर लिया है और मैंने इसे अस्तर के कपड़े पर इसको चिपका लिया सबसे पहले, और उसके बाद जो हमारा मेन पैटर्न था उस पर हमने रख के इस तरीके से इसके साइड में स्टिच कर लेना है, सिलाई कर लेनी है इसके साइड में इस तरीके से रख के, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर गले की एकदम किनारे पे रख के पेपर पेस्टिंग पे नहीं चलाया है, इसके जस्ट किनारे पे सिलाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। तो कट हम और सिलाई की जो थोड़ी सी मार्जिन है लाइक 2-3 सूत छोड़ के हम इसको इस तरीके से कट करेंगे, जैसे 2-3 सूत इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से हम पूरे पैटर्न को बीच से कट कर लेंगे, कट करके निकाल लेंगे और बीच में हम हल्का हल्का कट का मार्क देंगे, और कट का मार्क देकर इसमें ध्यान दें कि सिलाई हमारी ना कटे, इस तरीके से कट का मार्क देंगे और उसके बाद इसे पलटी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैं इसे पलट दे रही हूँ। उसके बाद हम फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे जिससे ये अच्छे से बैठ जाए हमारा बकरम। मैंने यहाँ बकरम का यूज़ किया, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया, आप बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से इस पर एक चाप चला देंगे जिससे इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए परफेक्ट, और इसका नेक देखने में अच्छा लगे, क्योंकि फिनिशिंग का भी हमें ध्यान देना होता है। ब्लाउज़ या फिर सूट कुछ भी हम अगर बनाते तो हम फिनिशिंग जब तक नहीं आती है तो वो पहनने में अच्छा लुक नहीं देता है, तो हमें फिनिशिंग का भी ध्यान देना चाहिए हमेशा। अगर आप सिलाई करते हैं तो बेसिकली आपको फिनिशिंग के ध्यान देना ही चाहिए। तो मैं अपने सारे वीडियो में आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हमें फिनिशिंग का भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो फाइनली ये लास्ट वाले सिरा है जहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक, और उसके बाद कैसे डॉट लगाते हैं और क्या उसके बाद आगे की सारी प्रोसेस जो भी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया, तो फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्लासी लग रहा है, और अगर इससे सिंपल साड़ी के साथ पेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे और अंदर की ओर कपड़ा फोल्ड कर देंगे, आप चाहे तो उसमें डोरी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर डोरी नहीं लगा रही हूँ कोई भी, एज योर विश, आपकी मर्जी है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।